हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर एजुकेशन निकेतन के द्वारा जीएस पेपर 2 यानी कि जिसमें सेक्शन 1 में पॉलिटी का खंड होता है, सेक्शन 2 में इकोनॉमी और ज्योग्राफी का खंड होता है और सेक्शन 3 जो हमारा होता है उसमें साइंस टेक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी की फुल टेस्ट सीरीज जो आयोजित की गई थी उसी के प्रश्न और सेक्शन 1 के जो प्रश्न हैं उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए उसको हम ब्रीफ में इस वीडियो में देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि विगत एक दशक में बिहार में संपन्न लोकसभा और विधानसभा के चुनावी मुद्दों का विश्लेषण करें, साथ ही कि आप इस मत से सहमत हैं कि विकास के मुद्दों ने जातिगत मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। Analyze the electoral issues of Lok Sabha and Vidhan Sabha held in Bihar in the last decade. Also, do you agree with the view that development issues have outpaced caste issues? अब इस प्रश्न में आपको ब्रीफ में बिहार में राजनीतिक संरचना क्या है, यानी लोकसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, इसे बताना है। इसके बाद लास्ट डिकेट में कौन कौन से इलेक्शन संपन्न हुए हैं लोकसभा और विधानसभा के, तो लोकसभा के 2014 और 2019 के दो जनरल इलेक्शन संपन्न हुए हैं और स्टेट असेंबली के दो इलेक्शन हुए हैं 2015 और 2020 के। इसके बाद बताना है कि इस बार जो चुनाव हुए थे लास्ट डिकेट में उनमें कौन कौन से मुद्दे प्रभावित थे, तो उन मुद्दों को आप एक माइंड मैप के में बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप विभिन्न दलों की क्या स्थिति थी और किस तरीके से अभी भी विकास के मुद्दे, आप बताएंगे कि कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा लास्ट चुनाव में काफ़ी हावी रहा, सारे राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में अधिक से अधिक रोजगार देने की बात कही गई, तो इस तरीके की आप जिक्र करेंगे। फिर भी आप उल्लेख करेंगे कि इन सारे तथ्यों के बावजूद बिहार में जातीय समीकरण को एक महत्वपूर्ण स्थान अभी भी चुनावों में प्राप्त है। इसका वर्णन करेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर जातीय समीकरण को ध्यान में रखती है। जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया इस बार या पिछली बार भी, तो आप देखेंगे कि जातीय समीकरण को बैठाने की कोशिश की गई या वो VIP पार्टी के द्वारा किसी खास वर्ग को संतुलित करने की कोशिश हो या फिर अन्य, आप उदाहरण दे सकते हैं। और इसके बाद आप लिखेंगे कि हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो विकास के मुद्दे हैं उन मुद्दों ने जातिगत मुद्दों को कुछ हद तक जरूर पीछे छोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका नगण्य हो गई है या बिल्कुल ही कम हो गई है। लेकिन इन जो कंक्लूजन है इनके साथ आपको कुछ मेन पॉइंट्स भी डालने होंगे, जैसे आप इस तरीके के चार्ट बनाकर डाल सकते हैं कि मुद्दे क्या थे, जैसे RDT के द्वारा कितने जॉब के देने की घोषणा की गई, लोन वेवर की घोषणा की गई, इसके बाद BJP के द्वारा क्या घोषणा की गई, तो इन चीज़ों को आप चार्ट के फॉर्म में डाल सकते हैं। सीधे सीधे पार्टियों का भी उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन पार्टियों का उल्लेख करते समय में यह ध्यान रखें कि निगेटिव में किसी भी पार्टी को आप ज़्यादा ना उल्लेख करें। ऐसा ना कहें कि 2010 से पहले यानी जो एक टिकट से पहले बिहार में जंगल राज था या RJD का शासन, इस तरीके, तो इस तरीके के निगेटिव इम्पैक्ट आप किसी भी पार्टी या किसी भी दल पर डालने की कोशिश ना करें, संतुलित रूप में उत्तर लिखने का प्रयास करें। हमारा दूसरा प्रश्न था कि देश में बार बार चुनाव आयोजित करना एक महंगी प्रक्रिया है, इस संदर्भ में क्या आपको लगता है कि एक साथ चुनाव आयोजित करना एक प्रभावी समाधान सिद्ध हो सकता है, चर्चा कीजिए, इसमें शामिल मुद्दों पर भी प्रकाश डालिए। पहले वाले प्रश्न में आप चाहें तो कुछ ट्रेडिशनल जाति की जो राजनीति में भूमिका है उसमें आप रजनी कोठारी के कास्ट इन पॉलिटिक्स, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का भी जिक्र कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा एग्जामिनर को कि जो विद्यार्थी है वो जाति एंड पॉलिटिक्स इस दोनों की क्या संबंध है, इसमें जो बेसिक जो एकेडमिक स्तर पर रिसर्च किए गए हैं उसको भी कोट कर रहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि एक साथ चुनाव करने से क्या फायदे हो सकते हैं, तो इसकी हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अनुरूप
राज्य पंचायती राज्य विभाग ने पीआरआई के लिए सलाहकार समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की है। इन सलाहकार समितियों की संरचना पर चर्चा करें। इफेक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप ये जो एक्ट पारित की गई है उसके प्रोविजंस को देख लेंगे। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि केशवानंद भारतीवाद के निर्णय के द्वारा न्यायपालिका को आधारभूत संरचना सिद्धांत के रूप में ब्रह्मास्त्र मिल गया? टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न को पूछे जाने की पूरी संभावना है क्योंकि केशवानंद वाद इस बार चर्चा में रहा है। आपको पता होगा कि इसके जो पेटिशनर थे स्वामी केशवानंद, उनका कुछ दिन पहले देहांत हो गया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जोड़कर इस केस को डायरेक्टली पूछने की इस बार पूरी संभावना है। सेक्शन 2 है, भारतीय मानसून की परिवर्तनशील प्रकृति किस प्रकार कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है? बिहार के विशेष संदर्भ में बताइए। तो बिहार के विशेष संदर्भ जहां भी आ गया तो आपको बताना होगा कि बिहार इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से है, क्योंकि जहां तक बिहार का एक मैप का समावेश जरूर करेंगे इस क्वेश्चन में आप। इसके बाद आप बताएंगे कि किस तरीके से बिहार का एक हिस्सा यानी उत्तरी बिहार ज़्यादातर वर्षों में बाढ़ से प्रभावित होता है, वहीं दक्षिणी बिहार का हिस्सा सूखे से प्रभावित होता है। इसके बाद इसके सुधारने के लिए बिहार सरकार ने कौन कौन से कार्य किए हैं, कृषि रोड मैप का आप उल्लेख करेंगे कि तृतीय कृषि रोड मैप में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। कोविड-19 ने भारत में प्रवासन प्रवृत्ति को किस प्रकार प्रभावित किया है? बिहार सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए शुरू किए गए कदमों की चर्चा करें तथा इसके समाधान हेतु नवाचारी उपाय सुझाएं। इस प्रश्न का उत्तर हमने पहले इसी चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बेसिकली ये प्रश्न पूछा गया है कि रिवर्स माइग्रेशन क्या है, जो प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है वो रिवर्स माइग्रेशन से प्रश्न पूछा गया है, और आपको बताना है कि रिवर्स माइग्रेशन को कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर हमने एक 66 BPSC टेस्ट सीरीज या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें देख सकते हैं। बिहार में कृषि विपणन का वर्णन कीजिए एवं कृषि विपणन व्यवस्था की कमजोरियों को बताइए। कृषि उपज विपणन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से बिहार सरकार द्वारा किए गए उपायों की चर्चा करें। यह प्रश्न चूंकि तीन केंद्रीय सरकार के द्वारा जो बिल लाए गए हैं कृषि बिल, उसके कारण यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में दीर्घकालीन रोजगार नीति का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्रदान करना नहीं बल्कि श्रम शक्ति को रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस कथन का परीक्षण नई शिक्षा नीति 2020 में वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में कीजिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन इंडिया इज नॉट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द लेबर फोर्स। Examine this statement with reference to the provision mentioned in the new education policy 2020. तो जो नई शिक्षा नीति में रोजगार के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं उसको आपको स्टेटमेंट से इंटरलिंक करना है, यही इस प्रश्न की मुख्य डिमांड है। 5G तकनीक क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान में यह किस हद तक सहायक हो सकता है चर्चा कीजिए। भारत में नदियों का एक मजबूत नेटवर्क होने के बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पानी की आपूर्ति और विशेष रूप से पीने के पानी की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए जल प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की उदाहरण के साथ आपको बताना है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सौर ऊर्जा की भूमिका एवं महत्व की चर्चा करें, साथ ही इस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों एवं इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों को भी बताएं। तो यह प्रश्न रहा रिन्यूएबल एनर्जी से, बिहार में हमेशा प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड रहा है, उसमें सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, बिहार सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों में कौन कौन सी बाधाएं हैं, इसको आपको इस प्रश्न में डालना है। अगर आप इस प्रश्न का PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम के लिंक दी हुई है जहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो टेस्ट सीरीज आयोजित की गई थी उसमें हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का जो सबसे बेहतर उत्तर होगा वो भी उस टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप चाहें तो उस ग्रुप से जुड़कर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।